धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। कैसी हो तितली? गुड यार। धीरे धीरे रंग उतरेंगे गहरे तेरे चेहरे। तितली आज से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। एक मिनट के लिए भी हमें अपनी नजर दयावंती से नहीं हटानी चाहिए। एक्जैक्टली 20 मिनट बाद ये बाहर जाने वाली है किसी से मिलने। हमें बस ये देखना है कि कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है और आखिर बात क्या है। माँ, अमन तो ठीक होगा ना? जो बहन अपने भाई से इतना प्यार करती, उस भाई को कुछ हो सकता है भला? सब ठीक होगा। नी, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बर्थडे पे मेरे घर में। हाँ, अली मर्दूद, यहाँ आप क्या गालियां खाने आया है? चल अपना काम करते निकलते। अरे चल ना। रेडी चीपस्टर। माँ, नन्नू से ठीक से आंखें भी नहीं मिला पाई मैं। मन तो कर रहा है बस जाके उन्हें जोर से हक कर लूं। तो मेरा भी बहुत है नन्नू से बोलने का, पर इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत रिस्क है। जलील गलीज लोग, जरा अपने गिरेबान में तो झांक कर देखें, बदतमीजी की भैद होती है। नन्नू, रिया ने अपने के बारे में सोचो ना। चल हट, कुछ नहीं सोचना मोए, अपना काम निपटा है और निकले यहाँ से, घर जाना है मोए। नन्नू, आपने वादा किया था ना कि आप एक बार उससे जरूर मिलोगे, प्लीज ना। अली, मिल चुकी तो अनन्या से, देख लिया, उससे बात भी कर ली, वो लड़की अवनी नहीं। अरे अगर वो मोई अवनी होती तो मोए कलेजे से लिपट जाती, मुझे हजार सवाल करती, ये घर सर पे उठा लेती, यूं पेट दिखा के सॉरी बोल के अपनी नन्नों से मुंह नहीं फेरती। नन्नो प्लीज, अपने अली के लिए एक बार फिर मिल लो ना उसे, प्लीज। अच्छा ठीक है, काम करने दे मुझे। थैंक यू नन्नो। माँ, किसी भी बहाने से बस एक बार नन्नो से मिलवा दो ना प्लीज, अभी अभी 15 मिनट बाकी है, प्लीज एक बार। वक्त नहीं है हमारे पास। पांडे रिपोर्टिंग। गाइस, मेरी बर्थडे पार्टी है, बॉलीवुड थीम है और डांस नाउ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रियंका, गाइस लेट्स ऑल प्ले अ गेम, डांस विद डेस्टिनी। रिया, मैं डांस मस्त नहीं कर सकता, सॉरी। रिया और मुझे ये गेम नहीं आता। गाइस रिलैक्स, मैं समझाती हूँ। ये गेम बताता है कि जोड़ियां जो है वो ऊपर से बनकर आती है। रिया, इंटरेस्टिंग गेम है, आखिर है क्या? क्यों ना तुम सबको एक्सप्लेन कर दो, राइट? ये आप मेरे हाथ में चिट्स देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। इन चिट्स पे हम एक एक नाम लिखेंगे और वो नाम हम इस बोल में डालेंगे और फिर सब एक एक करके इस बोल में से अपनी चिट उठाएंगे और मेरी चिट पे अगर नील का नाम आया तो मैं नील के साथ डांस करूंगी। वेल, ये पकड़ो और इन चिट्स के ऊपर सबके नाम लिखो और इस बोल में डाल दो। जरा से भी चूक और हम फंस सकते हैं, किसी भी कीमत पर हमें दयावंती पे नजर रखनी है। माँ, ये रिया कैसे वॉइड करूँ उसे? ना कर दो उसे, कह दो कि डांस नहीं आता।
मामूली पर किया था, अब ये बहाना नहीं चलेगा। मेरी चिट में अनन्या का नाम आना चाहिए। जस्ट मेक श्योर कि नील का नाम तुम इस ग्रीन चिट पे लिखना। बस तू नीली स्लिप पे उसका नाम लिख, खत्म। और ये बात किसी को पता नहीं लगना चाहिए। रिया भाभी को नील सर चाहिए है? और अली को अनन्या चाहिए, और नील सर को भी अनन्या चाहिए, तो फिर अनन्या को क्या चाहिए है? ओए टिल्लू, ओए टिल्लू, अरे वेयर आर यू? पता है मैंने तेरे ना मनपसंद कोफ्ते बनाए यार। ओए हरी अपना, ओए टिल्लू। ओ दिस बॉय नॉट टू मच, जरूर किसी केस में इन्वॉल्व हो गया होगा, इसीलिए ना इसे खाने पीने की फिक्र नॉट है जी। चलो बाद में देखते। ओए ये गिफ्ट क्या है? रिया मेहता पेंडेंट चेन, क्या दिन आ गए हैं। खुदा गारत करे इस दयावंती मेहता को इसके घर आकर काम करना पड़ रहा है। ये अली कहां मर गया? और तू कैसे? मैं हेल्प करूं नन्नू? उन्हें मुझे नन्नू कह के पुकार? अली को आपको नन्नू बुलाते हुए सुना ना? लाइए ना। ले कम बखत लड़की, वह काम बढ़ाने आई थी, अब इस उम्र में झुकाएगी मुँह? नहीं रुके रुके, मैं करती हूँ। हाँ कर, आजकल के बच्चे किसी लायक ही नहीं है। एक कम बखत अली और एक ये, जिंदगी में इतना काम नहीं किया फातिमा भानु ने जो एक दिन में करवा रहा है। बढ़ा दिया, एक काम तो होता नहीं इन लोगों से। बखत देखो, अमूल के बारे में मिलकर बात करना ही अच्छा होगा, ठीक है? छोड़ के कहां जा रही है? ओह नो, ये अली क्यों अवनी के पीछे जा रहा है? कुछ नहीं, पैर में थोड़ी मोच आ गई है बस, और कुछ नहीं। आइए मैं आपको बिठाती हूँ। हाँ बेटी चल, मैं आपके लिए बर्फ लेके आती हूँ, ठीक है? मैं ठीक हूँ। रुकिए, बेकार में परेशान हो रही है ये।
ये लड़की अवनी नहीं हो सकती अली, कोई अवनी इस हद तक नहीं गिर सकती। उस डायन दयावंत की खिदमत कभी नहीं करेगी ना। नन्नो, नन्नो उसकी कोई मजबूरी भी तो हो सकती है, और वैसे भी आप एक मुलाकात में कैसे कैसे जान जाओगे कि वो अवनी नहीं है। अपने बच्चों के कातिल के घर में खड़ा रहना कितना मुश्किल है ये मैं तो समझा भी नहीं सकती अली। मुझे कोफ हो रही है, एक पल नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ बच्चे। नन्नो, मेरे बर्थडे पे नो ऑफिस वर्क, आप सिर्फ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, इसके लिए आप यहाँ पे। क्राइम मास्टर गोगो, चलो चलो। नहीं, मुझे गेम नहीं खेलना, मुझे दादी जी के लिए आइस पैक लेकर जाना। यूं की तो उनकी बेटी हो नहीं, तो फिर इतनी चिंता किसके लिए? जो काम करने आई हो वही करो, मेरा मतलब मजा मस्ती। काम करने के लिए हम है ना। अब तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं बचे तुम्हारे पास, अब क्या करोगे? केतन,